Let's go. Day 48 Pro Kabaddi League Season 11 Tamil Thalaivas Banam Gujarat Giants पहली रेड के लिए टीम के टॉप रेडर कुमान आए हैं और पिछले पांच मैचों में दो जीत गुजरात जायंट्स के नाम दो टाइज और एक हार इससे पता चलता है कि धीरे धीरे लय पकड़ रहे हैं ट्रैक पर आ रहे हैं और शुरुआत अच्छी रही शुभारंभ वन पॉइंट गुजरात जायंट्स नंबर सिक्स आउट क्या बात है तमिल थलाइवास का पूरा डिफेंस टूट पड़ा वन पॉइंट तमिल थलाइवास और पहले हाफ का पहला कामयाब टैकल इज सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस यहां पर पॉइंट लाना ही होगा वरना बाहर नहीं जा सकते शाबाश 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 की नंबर 11 आउट लेकिन रॉकिंग राकेश को फर्क नहीं पड़ रहा वन पॉइंट गुजरात जायंट्स नंबर 21 आउट पिछले मैच के बाद से राकेश एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे फिलहाल जर्सी नंबर 9 हिमांशु आए हैं इस 6 के डिफेंस में टोटच आया है क्या वहां पे लेफ्ट कॉर्नर पे बोनस प्लस वन पॉइंट तमिल थलाइवास नंबर 24 आउट मल्टी पॉइंट रेड बाजम सी दाते निकाल दियो राइट कॉर्नर पे लेकिन कुमार यहां फंसते हुए रेड आउट देखिए आशीष के पास एक प्लान है आज गुमान सिंह को कैसे रोकना है और अटैक करके खेलेंगे आज शुरुआत से और यहां पे छलांग लगाने की कोशिश थी लेकिन मोइन फंसते हुए स्टीम में वन पॉइंट गुजरात जायंट्स छे का डिफेंस लेकिन टू और डायरेक्ट में तमिल थलाइवास ने कहा हम बॉस हैं यहां पे वन पॉइंट तमिल थलाइवास चार का डिफेंस रनिंग हैंड टच सौरभ की तरफ से स्पीड इनकी बहुत अच्छी है पहले ही रेचन देख रहे तेजी दिखा रहे ऋषांत की देखिए स्पीड है और उसके साथ साथ हाइट भी है इस खिलाड़ी के पास रवि बख्श दोनों एक दूसरे को जानते हैं पहचानते हैं वन पॉइंट गुजरात जायंट्स नंबर 21 आउट अगर आप पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे रेडर हैं ऐसे मौकों को भुनाना चाहिए सभी टीम्स की नजर होगी बहुत तो बढ़िया छलांग लगाई यहां पर रेडर आउट वन पॉइंट गुजरात जायंट्स और हिमांशु जो थोड़े से इस वक्त दर्द में भी नजर आ रहे हैं उन्होंने क्या बढ़िया यहां पर लपका है यहां पॉइंट्स लेना जरूरी है लेकिन ये नहीं हो पाया रेडर आउट वन पॉइंट तमिल थलाइवास रौनक ने अच्छा काम करके दिखाया यहां पे जरा सोचिए अगर इनके रेडर्स भी चल जाते तो क्या होता पिछले 7 मैचेस में मोइन शफागी बढ़िया खेल के दिखा रहे विशाल चहल उनके बाद है वन पॉइंट तमिल थलाइवास नंबर 37 आउट और मोइन शफागी रॉफ सुपर टैकल सिचुएशन में आए हैं और याद दिला दे नबी की नजरें सिर्फ और सिर्फ मोइन पर है वो उनके लिए ही प्लान बना के आए हैं तैयारी करके आए हैं मंत्रा मोइन शफागी पैर देखिए दिखदा दिखदा दिख दिख दई दिखदा दिखदा दिख दिख दई दिखदा दिखदा दिख दिख दई वाह 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 क्या बात है संगीत है मोइन शफागी के फुटवर्क में उफ 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 आनंद आ गया ये रेड देख के उनका वो फुटवर्क देखकर देखिए 3 बार आशीष ने अटैक किया गुमान सिंह को एक क्लियर प्लान था आशीष के पास आज की गुमान सिंह को अटैक करके खेलना है और पूरी तरह से उसका मोमेंटम जो है वो डाउन करना है वही किया आज बड़ा क्रूर खेल है प्रशांत हिमांशु यहां पर पॉइंट लेकर आए हैं वन पॉइंट 37 आउट सिर्फ 2 पॉइंट और उस 8 को नॉक कर दीजिए क्या खूबसूरती से वहां पे टैकल किया यूनिट की तरह काम करे तमिल थलाइवास ये खास करके उनके कवर डिफेंडर जो है आज रौनक और आशीष इन्होंने रेडर्स को अच्छी तरह से स्टडी किया है लेकिन यहां पे चूक किया गलती हुई गुजरात जायंट से वन पॉइंट तमिल थलाइवास नंबर 24 सपोर्ट आना चाहिए था ऋषांत क्या सही डिसीजन नहीं बिल्कुल सही डिसीजन यहाँ पे अगर और कोई आ जाता तो 2 पॉइंट ले जाते वहां पे सौरभ फगारे वन पॉइंट ईच दोनों ही टीम्स को एक एक पॉइंट यहां पे दिया गया है सौरभ रेडर आउट
या शायद रेडर पहले ही लॉबी में शायद निकल गए थे, लेकिन इन यहां पे कहना पड़ता तो चारों तरफ से घिर गए। आशीष तो आज एकदम मैग्नेट लगा कर आए हैं, रेडर्स चिपक रहे हैं उनसे, और लीजिए पहले हाफ के अंदर ही अपना हाई फाइव भी पूरा कर लिया। शाबाश आशीष, हाफ टाइम चेंज द कोर्ट। तमिल थलाइवास ने ये पहले हाफ को अपने नाम किया है, एक लंबी चौड़ी लीड ले ली है, लेकिन प्रो कबड्डी के खेल में लंबी चौड़ी लीड दो मिनट के अंदर छोटी भी हो जाती है। तमिल थलाइवास सेकेंड हाफ के अंदर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरी है, चार का डिफेंस गुजरात जायंट्स का, और मोइन शफागी मैच दर मैच अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित कर रहे हैं, सबकी नजर होगी आने वाले सीजन में इन पे। ओहो काफी अंदर गए और क्या बढ़िया पॉइंट उठाया, टू पॉइंट्स, मल्टी पॉइंट रेड मोइन के नाम। रोहन सिंह को सब्स्टिट्यूट करके अंदर लाया गया था, उसी पे अटैक किया वहां पे वन पॉइंट तमिल थलाइवास मोइन शफागी ने, लेकिन रोहन सिंह जो बतौर सब्स्टिट्यूट आए थे वो कुछ कमाल नहीं कर पाया अपने रेड में। ओहो मोइन शफागी स्वर्णिम फॉर्म में चल रहे हैं, स्वर्णिम फॉर्म है इनका, स्टॉक मार्केट में होते तो अभी तक के ये क्रॉश कर गए होते। और ये दूसरा ऑल आउट मोइन शफागी की तरफ से आता हुआ गुजरात जायंट्स दूसरी बार ऑल आउट होते हुए निशांक। बहुत खूब, इनको फर्क नहीं पड़ रहा कि सात हो या छह, वन पॉइंट तमिल थलाइवास। और ये इस हाफ का पहला सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। छह के डिफेंस में अब तक का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है, दो बार ऑल आउट एंड और यहाँ पे दावा कर रहे हैं, जी हाँ नीरज को एक बार फिर बाहर भेजा, बतौर कैप्टन खेल रहे हैं आज नीरज। नंबर 11 आउट, तमिल थलाइवास और भी आगे बढ़ जाएगी, कुछ रिकॉर्ड बना देगी आज तमिल थलाइवास, लेकर गए चलिए पॉइंट बनाया, वन पॉइंट गुजरात जायंट्स। पहला पॉइंट सेकेंड हाफ का गुजरात जायंट्स, सेकेंड हाफ में खाता खोला और डू और डाई में पहली बार सक्सेसफुल हुए आज रात। ने बड़ी रेड की है, यही है वो ब्रह्मास्त्र जिनकी हम बात कर रहे थे, दो दो तो मिले, मल्टी पॉइंट तो हुई है फॉर श्योर। देखिए मंत्रा सुपर रेड भी हो सकती है, पर देखना होगा कि नंबर यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉइंट है, नितेश भी कहीं ना कहीं कनेक्ट में आए होंगे, पर बिल्कुल यहाँ पे दो पॉइंट मिलेंगे हिमांशु को। तमिल थलाइवास के नाम, लेकिन इस बार हिमांशु को डैश के साथ बाहर भेजा है, वन पॉइंट गुजरात जायंट्स। चलो कर रही है कमबैक गुजरात जायंट्स, ड्रॉप सुपर टैकल भी ऑन है, लेकिन नहीं यहाँ पे मल्टी पॉइंट रेड आता हुआ हिमांशु सिंह की तरफ से। नंबर 685 आउट, सही समय पर जान फूंक रहे हैं हिमांशु और सही समय पर जाग रहा है गुजरात, यहाँ से भी मौका है निशांक, कम ऑन फिंगर्स क्रॉस, ये कोई बड़ी रेड कर दे तो एक एक पैसा वसूल, और खास तौर पे टाइम भी अगर पूरा हो गया ये तो कमाल कर रही है गुजरात जायंट्स, 3 पॉइंट्स गुजरात जायंट्स, पछाड़ दिया है तमिल थलाइवास को, ऑल आउट कर दिया है, हालांकि एक पॉइंट मिलेगा तमिल थलाइवास को बोनस पॉइंट जरूर, लेकिन 9 मिनट में क्या कुछ काया पलट हो सकती है तमिल थलाइवास। वन पॉइंट गुजरात जायंट्स, मोमेंटम पकड़ लिया है यहां पे गुजरात जायंट्स की टीम ने। राइट कॉर्नर, क्या मल्टी पॉइंट रेड एक बार फिर, क्या एक बार फिर मोइन ने हासिल किया है मल्टी पॉइंट रेड यहां पे, क्या शायद सुपर रेड है ये, बिल्कुल यहां पे तीन डिफेंडर्स बाहर जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तमिल सुपर रेड मोइन शफागी की, मोइन शफागी के चक्कर में तमिल थलाइवास की किस्मत जागी, रेड यहां एक बड़ी रेड गुजरात की तरफ से भी आ जाए तो मामला और करीबी हो जाए, केवल एक हिमांशु सिंह है जिन्होंने आज कुछ पॉइंट्स उठाए हैं और उठा रहे हैं।
वन पॉइंट गुजरात एक पॉइंट और हिमांशु सिंह के नाम और टू और डाई रेड में ये रेडर कमाल कर रहा है। इनफैक्ट पूरे मुकाबले में और पिछले कुछ मैचेस में मोइन शफागी का एक परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है, लेकिन प्रेशर जरूर होगा और उस प्रेशर पर गुजरात का डिफेंस खड़ा उतरा। वन पॉइंट तमिल तलाईवास, वन पॉइंट गुजरात जायंट्स। कई बार तो मैंने देखा है कि बस वो कबड्डी को सपोर्ट करते हैं, एक अच्छी रेड देखने को मिल जाए, एक अच्छा टैकल देखने को मिल जाए, ये स्ट्रगल देखने को मिल जाए। आशीष भाई क्या कर रहे हो, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? और बस अब कुछ ही देर की बात है, स्ट्रगल जरूर करके दिखा रहे हैं मोइन शफागी। हालांकि तमिल थलाइवास को अब घबराने की आवश्यकता नहीं, बस एक तरीके से कह सकते सेव कर लिया इस मुकाबले को। और हिमांशु सिंह जिनके नाम ये आठवां रेड पॉइंट, रनिंग हैंड टच के साथ लौटे हैं। तमिल थलाइवास का इस सीजन का बेस्ट रेडिंग परफॉर्मेंस है ये, क्या सही समय पर जाग रही है, क्या अभी भी अगर इस पैटर्न को वो कंटिन्यू करते हैं तो वो प्लेऑफ्स में बन पाएंगे? बिल्कुल बन पाएंगे, किसी भी टीम को आज आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, इतना टाइट ये टूर्नामेंट चल रहा है। ओहो, पटकनी लगा दी सौरभ भाई ने। वन पॉइंट तमिल थलाइवास, नंबर 25 आउट। सौरभ रेडिंग में भी पॉइंट्स बनाए इन्होंने, डिफेंस में भी पॉइंट्स है इनके नाम। रोहन इस मुकाबले की शायद आखिरी रेड दे रहे हैं, इंतजार करेंगे। ये है रोहन राम मेहर सिंह, कोच साहब के सुपूत, आज कोच साहब से और पापा दोनों से डांट पड़ने वाली है। बड़ी जीत है ये तमिल थलाइवास के लिए दोस्तों, दो हार के बाद फाइनली ये मुकाबला जीता। धर्मराज चरलाथन सामने कोच साहब खड़े हैं, ये विनिंग मोमेंट सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस।